तो देखिए सीलिंग फैन हमने स्टार्ट कर दिए और वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसी आवाज़ कर रहा है, तो उसे कैसे ठीक करें चलिए हम वीडियो आपको बताते हैं। इसे हम खोल लेते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपका भी सीलिंग फैन ऑटोमेटिक चलते चलते रुक गया है तो उसे कैसे ठीक करें? तो देखिए हमने दोस्तों सीलिंग फैन स्टार्ट किए और ये ऐसी आवाज़ कर रहा है, तो चलिए इसे ठीक करके बताते हैं आपको। इसे खोल लेते हैं हम पहले। तो गाइस सबसे पहले दोस्तों चलिए इसे खोल लेते हैं। इसे खोलने के लिए आपको एक पाना लगेगा, एक वायर कटर लगेगा जो प्लायर का काम करता है और वायर छिलने का काम करता है। उसके बाद आपको लगेगा टेस्टर। तो चलिए इसे हम खोल लेते हैं। सबसे पहले हम इसके जो कप है, कटोरी है, उसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि काम करने में थोड़ा आसानी जाए। तो हम इसकी कटोरी को खोल लेते हैं। ये देखिए मैं कटोरी को खोल के सिफर कर देता हूँ। दोस्तों उसके बाद आपको इसके कनेक्शन निकाल लेना है। सबसे पहले हम इसकी कनेक्शन निकाल लेते हैं और उसे टेप मार देते हैं। दोस्तों उसे टेप मार देते हैं। पहले ये कटोरी को थोड़ा आपको फिट कर देना है ऊपर ताकि आपको काम करने में परेशानी ना हो। उसके बाद आम आदमी, उसके बाद आपको ये आम आदमी इसको टेप लगा लेना है और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको इसको ऊपर कर देना है और उसके बाद आपको इसकी जो पिन है, क्वार्टर पिन जिसे हम कहते हैं, उसको निकाल लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको ये वायर को इस तरीके से पकड़ के, ये एक नट हमारा खुला है, उसके बाद दोस्तों आपको इस पिन से अच्छी तरीके से खोलना है। ये देखिए तो दोस्तों हम इसे प्लायर से खोलते हैं, स्पिनिच से नहीं खुल रहा है ये। प्लायर से ट्राई करते हैं और प्लायर से खुल जाएगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से खुल गया है प्लायर से। अब आराम से आपको पकड़ना है फैन को। तो हमने इसकी सफाई कर ली है दोस्तों। इसको निकालने के बाद इससे काफी घन लग चुकी थी, हमने इसकी सफाई कर ली है। देखो उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे बता, ये देखे ये बिल्कुल भी घूम रहा नहीं है, अभी ये जाम हो चुका है, पूरी तरह से जाम हो चुका है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे खोल लेंगे। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, पत्ते खुलने के बाद में आपको कैपेसिटर के वायर निकाल लेना है, टेस्टर का कैपेसिटर के वायर निकाल लेना है।
तो दोस्तों आपको तीनों वायर को क्या करना है कि फैन के जो पाइप है उसमें ऊपर ले लेना है ताकि वो डैमेज ना हो फैन खोलते समय, वाइंडिंग खोलते समय। तो चलिए हम इसे तीनों को ऊपर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आपको ऊपर निकालना है, देखिए हमने निकाल लिए। उसके बाद दोस्तों अपने जो वाइंडिंग के स्क्रू है आपको वो स्क्रू को खोलना है। ये देखिए हम इसे खोल लेते हैं और फैन को खोल लेते हैं, देखते हैं अंदर क्या हुआ है, बेरिंग ख़राब है या बेरिंग जाम हुआ है। तो दोस्तों इसके साइड में भी तीन स्क्रू आते हैं, उसको भी अच्छे से खोल लेना है। चलिए हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसी तरीके से हमने इसे खोल लिया है। अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं चल रहा है और क्यों जाम हो चुका है। तो दोस्तों देखिए इसकी जो नीचे की बेरिंग है ये तो इसके शाफ्टिंग के साथ लग गई है, यानी इसमें जाम हो गई है। इसका ग्रीस भी ख़राब हो चुका है क्योंकि एक साल हो चुका है। ये देखिए बेरिंग, तो ये इसके साथ में लग के आ गई शाफ्टिंग के, ये नीचे रहती बेरिंग, ये देखिए इसका ग्रीस भी कितना ख़राब हो गया। तो दोस्तों देखिए इसकी बेरिंग ख़राब हो चुकी है, ये देखिए पूरा इसका ग्रीस ब्लैक हो चुका है। और इसे हम थोड़ा बाहर निकाल लेंगे दोस्तों, इसकी शाफ्टिंग हम इसी तरीके से। तो दोस्तों देखिए काफ़ी जाम हो चुका है और निकल रहा नहीं है। तो दोस्तों देखिए हमने इसे किसी तरीके से निकाल लिए है और ये बेरिंग तो घूम रही है फिर भी इसमें आवाज़ आ रहा है। तो दोस्तों देखिए इसके दोनों बेरिंग इसके साथ में लग चुकी है, यानी जो अंदर लगी होती है वो इसमें अटक के आ गई है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हम इसे थोड़ा फ्री करने के लिए इसमें हेयर ऑयल डालते हैं। आपको खोपरे का हेयर ऑयल भी चलेगा या सरसों का तेल भी चलेगा, आसानी से आपके घर में मिल जाएगा आपको। तो दोनों बेरिंग को लगाते हैं हम, सबसे पहले इसके इसको फ्री करते हैं। तो जाम हो चुका है हीटिंग के कारण, देखिए अच्छी तरीके से लगाना है इसमें। तो दोस्तों ये सीलिंग फैन अचानक से चलते चलते रुक गया था ये जाम होने की वजह से, इसकी दोनों बेरिंग ख़राब हो चुकी है। हम इसे फ्री करते हैं, अभी हम नवी नहीं डाल सकते लेकिन हम इसे ही ठीक कर लेंगे। इसमें अच्छी तरीके से हेयर ऑयल डालेंगे और इसमें ऑयल भी डालेंगे, ये देखिए। उसके बाद में इसमें भी थोड़ा डालना है, रोक दे। तो दोस्तों देखिए इसे भी निकालना है और इसमें ये देखिए काफ़ी जल चुका है, हीटिंग के कारण ये ख़राब हो चुका है दोस्तों, ये देखिए। तो इसको भी अच्छे से सफाई करना है। और इसको भी अच्छे से सफाई करना है। चलो तो हमने इसे साफ कर लिया और ये जो एल्युमिनियम का इसको भी साफ करना है। तो देखिए उसके बाद इसमें भी अच्छे से ऑयल लगाना है, अंदर तक के पहुंचाना है ताकि बेरिंग अच्छे से घूमे। हमने लगा लिए दोस्तों, अब हम इसमें लगाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में आपको ये स्प्रिंग लगाना है नीचे वाला, उसके बाद में बेरिंग लगाना है और इसे हल्का हल्का इसी तरीके से ठोकना। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको क्या करना है कि आपको ये लगाना है, हम ये लगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए इसे इसी तरीके से ठोक देना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको इसके स्क्रू लेना है, स्क्रू लेके इसी तरीके से इसको ठोक देना है। तो दोस्तों देखिए ये तीनों स्क्रू इसके ठोक लेना है। देखिए
ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से फिट कर दिया है ये इसे। अब ये देखिए, ये थोड़ा फ्री हो गया है और अभी घूम रहा है। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, अब आपको ये कटोरी लगा लेना है। ये देखिए, इसी तरीके से आपको पूरा स्क्रू लगाना है। ये साइड के 3 स्क्रू आपको लगाना है। ये देखिए, तो ये देखिए हमने फैन को पूरी तरीके से फिट कर दिया। इसमें ऑयल वगैरह सब कुछ डाल दिया, ग्रीस डाल दिया। उसके बाद हम ये वायरों को वापस निकालेंगे। वायर, ये वायर हमने सेफ्टी के लिए ऊपर से निकाल दिए थे ताकि ये निकालते टाइम वायर कटे ना, तो अब इसे वापस हमें निकालना है। बाद में जिसमें अपना कैपेसिटर लगता है उसको फिट कर लेना है। ये देखिए हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके वायरों को हम थोड़ा थोड़ा छील लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, जैसे हमने कनेक्शन निकाले थे हम वैसे इसके कनेक्शन कर देते हैं। और नीले वाले को ऊपर वाले पॉइंट में लगा लेना है दोस्तों। और हम इसे टेस्टिंग करके देखते हैं। अभी रेड वाले को हमने बीच में लगा लेना है और उससे भी अच्छे से कस लेना है रोग। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा आखिरी वायर है और हम इसे इसमें लगा दिए। ये देखिए, हमने तीनों वायर के कनेक्शन कर दिए। चलिए अब इसका टेस्टिंग लेते हैं, ये कैसा घूमता है दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं। सब सही है, उसके बाद आपको ये लगा लेना है। और चलिए हम इसे टेस्टिंग कर लेते हैं, रुकते हैं। दोस्तों ये हमें 2 वायर लेना है टेस्टिंग के लिए और इसमें लगा लेना है। ये हम इसमें लगा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये 2 वायर हमने ले लिए टेस्टिंग के लिए, इसमें लगा लिए। अब इसको आपको ऐसा लगाना है। चलिए आ जाइए स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, चलिए हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फैन स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम इसे पत्ते फिट कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, चलिए हम इसके पत्ते लगा लेते हैं। रुक दे। बता बोला, वीडियो मत बना। तो दोस्तों देखिए, हमने ये तीनों इसके पत्ते कस लिए हैं। अब चलिए इसे फिट कर देते हैं। रुक दे। तो दोस्तों चलिए इसे हम फिट कर देते हैं। इसी तरीके से इसे एडजस्ट करना है। नट लगा लेना।
से दोस्तों आपको एकदम मजबूती से कसना है, देख लिया हमने इसे कस लिए। चलिए बस, तो दोस्तों देखिए हम इसे क्वार्टर पिन लगा लेते हैं। ये देखिए हमने इसे क्वार्टर पिन लगा लिए। अब चलिए अब इसके कनेक्शन कर देते हैं और इसे स्टार्ट करके देखते हैं क्या इसमें कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, या फैन शुरू हुआ है या नहीं। चालू है ना? नहीं भी चालू रहा तो चलता है। तो दोस्तों देखिए हमने इसके दोनों कनेक्शन कर लिए हैं, दोनों वायर जोड़ लिए हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी जो कटोरी है उसको नीचे ले लेना। ये देखिए हमने इसे नीचे ले लिया। अब इसे हम फिट कर लेते हैं, ऊपर वाली को भी थोड़ा ऊपर लेके फिट कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए अब फैन को हम स्टार्ट करके देखते हैं फैन स्टार्ट हुआ या नहीं। ये देखिए दोस्त हमारा फैन स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों बिना किसी आवाज़ के फैन घूम रहा है। ये देखिए तो दोस्तों देखिए हमने फैन को स्टार्ट कर दिया, फैन को दुरुस्त कर लिया। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।